Namaha Shri Atirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. Inspired talks by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda ke Devavani. Swami Vivekananda ne ye classes the, lectures nahi the, aur ye unhone 1895 mein Thousand Island Park अमेरिका में एक रिट्रीट स्थान है, वहाँ पर कुछ 14-15 जो शिष्य थे उनको दिए थे। इसमें स्वामी विवेकानंद सचमुच इंस्पायर्ड थे, मानो वो एक बहुत ही उच्च मनस्थिति में थे। देववाणी, इसलिए हम कहते हैं उसे देववाणी, मानो वे परमात्मा के साथ एक होकर बहुत उच्च श्रेणी के उच्च स्तर पर होकर बात कर रहे थे। और इसलिए कभी कभी लगता है कि क्या ये हमारे लिए रिलेवेंट हैं, क्या हम उसको समझ सकते हैं क्या। सच पूछा जाए तो गीता पर प्रवचन करना या फिर उपनिषद पर, उसमें भी उच्च आध्यात्मिक तत्व हैं, फिलॉसफी है, दर्शन है, या फिर श्रीमद् भागवत इत्यादि तो के माध्यम से तो हम जो उच्चतम तत्व हैं उनको कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो कह रहे हैं, हम प्रत्येक दिन जब भी पढ़ते हैं तब देखते हैं कि स्वामी जी एक बहुत ही उच्च मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होकर प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है जून 26 बुधवार का जो पोर्शन है उसको हम पढ़ेंगे। और ये तो ऐसा है कि मानो प्रत्येक लाइन को अंडरलाइन करना, प्रत्येक जो लाइन है वो एक कोटेशन जैसा है। स्वामी जी कहते हैं, आवर बेस्ट वर्क इज़ डन, आवर ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस इज एक्सर्टेड व्हेन वी आर विदाउट द थॉट ऑफ सेल्फ। ऑल ग्रेट ग्रेट जीनियसेस न्यू दिस। Let us open ourselves to the one divine actor and let him act and do nothing ourselves. Ishvara sarva bhutanam riddeshe arjuna tishtati. Bhagwan hi sabko kara rahe hain. Sab karya bhagwan ke madhyam se bhagwan ke dara hi ho rahe hain. Swami ji ye keh rahe hain, ise hame अनुभव करके उसके अनुसार कार्य करना है। लेट अस ओपन अवर सेल्स टू द डिवाइन एक्टर एंड लेट हिम एक्ट एंड डू नथिंग अवर सेल्स। हम कुछ न करें, हमारे भीतर बैठकर भगवान स्वयं करेंगे। श्री रामकृष्ण के समय जब इनके श्री रामकृष्ण के जीवन के माध्यम से ये सत्य अत्यंत आसानी से समझ में आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि इस पे कि इसके भीतर दो हैं। एक क्या है? एक जो ये रामकृष्ण नामक एक व्यक्ति है और उसके भीतर है माँ। और कभी कभी तो श्री रामकृष्ण इसी भाव में चले जाते थे और तब उनको लगता था कि इसके भीतर कोई कौन है। श्री रामकृष्ण पूछते थे, कौन हो, क्या है, कौन है तुम? इस प्रकार तात्पर्य क्या है? हमें अपने व्यक्तित्व को इतना कहना चाहिए कि इतना अहंकार शून्य कर देना चाहिए कि इसके अंदर भगवान आकर विराजित हो सके। इसको मैं हिंदी में फिर से पढ़ता हूँ। बी परफेक्टली रिजाइन, परफेक्टली अनकंसर्न, देन अलोन कैन यू डू एनी वर्क, ट्रू वर्क। No eyes can see the real forces. We can only see the results. Put out self, lose it, forget it. Just let God work. It is His business. We have nothing to do but stand aside and let God work. The more we go away, the more God comes. Let get rid of the little I and let only the great I live. Adbhut, bahut sundar hai. इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको पढ़ के बनाता हूँ। जब हमारा अहम भाव ज्ञान नहीं रहता
Our best work is done, our greatest influence is exerted when we are without thought of self. इस सेल्फ का यहाँ पर हिंदी में परिभाषा अनुवाद करते हुए कहा है, जब अहम भाव नहीं रहता, मेरी सेपरेट सत्ता, मेरी एक भिन्न सत्ता, मेरा अहंकार जब नहीं रहता, तब हम सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं। हमें क्या लगता है, हमें ये कार्य करना है, मुझे ये प्लान करना है, मैं यह कार्य करूँगा अत्यंत सुचारू रूप से करूँगा, यह अनुवाद करूँगा, यह लेख लिखूँगा, ये मकान बनाऊँगा, ये प्रोग्राम करूँगा, ये कौन करता है, मैं प्लान कर रहा हूँ, ये मेरा आई अहंकार जो है वह प्लान कर रहा है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि हमारा सर्वोत्तम कार्य उस समय होता है जब दूसरे की अपनी ओर सर्वापेक्षा अधिक आकृष्ट कर सकते हैं। दूसरों को हम तभी सबसे अधिक प्रभावित करते हैं जब हमारा अहम भाव नहीं रहता। श्री राम कृष्ण तो कहते हैं जब अहम है तब क्या है, भगवान नहीं आते, कहते हैं ना, वो कहते हैं कि एक स्टोर है, एक व्यक्ति आकर कहता है बड़े बाबू से, जमींदार से कहता है कि मुझे कुछ आपके स्टोर से कुछ आवश्यकता है, तो कह जाओ, वहाँ पे स्टोर कीपर है, जब तक स्टोर कीपर है तब तक वो नहीं जाते, जब स्टोर कीपर नहीं है तब वो खुद जा के करते, जब तक अहंकार है तब तक भगवान दूर रहते हैं, तुम तो कर रहे हो, मैं क्यों बीच में पड़ूं। श्री राम कृष्ण के जीवन में, उनके उपदेशों में बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी बैठे हुए थे, इतने में विष्णु भगवान उठ के तेजी से जाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बात, कुछ देर में आगे जाके वापस आ गए। क्या हुआ, अभी जा रहे थे वापस आ गए। हाँ, मेरा भक्त मेरा नाम लेते हुए विभोर होकर, मेरे स्मरण में विभोर होकर जा रहा था, वहाँ पर धोबियों ने कपड़े बिछा रखे थे धोकर, वो उसके ऊपर से जा रहा था, उसको पता नहीं चला, अचानक धोबियों ने देखा तो उसको मारने के लिए लाठी वगैरह लेकर आए। तब मैंने कहा रे ये मेरा भक्त है, मैं उसकी रक्षा के लिए जाने लगा, लेकिन वापस क्यों आ गए। उसने उनसे रक्षा के लिए एक पत्थर उठा लिया, तब मैंने कहा फिर मेरी क्या आवश्यकता, जब तक अहंकार है तब तक भगवान दूर रहते हैं, करने दो, अच्छा लग रहा है उसको तक करो, मैं कुछ नहीं करता। बड़े बड़े प्रतिभाशाली सभी व्यक्ति इस बात को जानते हैं, ईश्वर ही एकमात्र यथार्थ करता है, उसी के समीप अपना हृदय खोल दो, तब तुम स्वयं भी कुछ भी करने मत जाओ। कैसी अद्भुत बात, हम लोग कहते हैं, भगवान अर्जुन कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वविभूतानि, भगवान सबके हृदय में बैठकर जो करना है वो करा रहे हैं। हम बोलते तो हैं, कुछ थोड़ा बहुत समझते भी हैं, अगर हम अपने जीवन का सिंहावलोकन करें, पीछे मुड़कर देखें, तो कभी कभी लगता है कि हमने जो कुछ किया, हमें भगवान जहाँ तक लाए हैं, हमने जीवन में जो कुछ प्रगति की है, जो कुछ किया है, वो सब भगवान की कृपा से हुआ है, मानो भगवान ही करा रहे हैं। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, कैसे हुआ, ये भगवान ही मानो चला रहे थे। ये एक आध्यात्मिक सत्य है, हम बोलते भी हैं लेकिन दैनिक जीवन में इसका अनुभव नहीं करते। जो संत हैं वो प्रत्येक क्षण इसका अनुभव करते हैं। तो आगे देखें, ईश्वर एकमात्र यथार्थ करता है, उनके समीप अपना हृदय खोल दो, स्वयं कुछ भी करने मत जाओ। ये कैसे संभव, हम कुछ ना करें, क्या हम क्लास में नहीं जाएं, क्या हमको प्रवचन के लिए तैयारी ना करें, बड़ा कठिन।
लेकिन फिर भी स्वामी जी कहते हैं ईश्वर एकमात्र यथार्थ करता है, वे ही कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं मैं स्वयं करता हूं लेकिन नहीं करता हूं, नमे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मेरा कोई कर्तव्य नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अगर यह समझने लग जाए कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मैं नहीं हूँ, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो सारी समस्या व्यक्ति की दूर हो जाएगी। हे अर्जुन, त्रिलोक में मेरे लिए कर्तव्य नामक कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर संपूर्णतया निर्भर रहो, संपूर्ण रूप से अनासक्त हो, ऐसा होने पर ही तुम्हारे द्वारा कुछ यथार्थ कार्य हो सकता है। कंप्लीटली पूर्ण रूप से भगवान पर शरणागत हो जाओ, तब हो सकता है, उनके द्वारा सब कुछ होगा। जिस शक्ति के द्वारा ये सभी कार्य होते हैं उसे तो हम देख नहीं पाते, एक शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, इस संसार को चला रही है, उसको हम देख नहीं पाते, हम अनुभव नहीं करते। सब कुछ हो रहा है, सारा संसार चल रहा है, हम समझते हैं कि हम कुछ करेंगे, तुम क्या करोगे? श्री राम कृष्ण सेवा के बारे में, मैं कल ही पढ़ रहा था, श्री राम कृष्ण कहते हैं सेवा के बारे में, श्री राम कृष्ण को है कि वो एक राजा बाबू थे और कुछ लोग थे, कभी कभी दक्षिणेश्वर में आते थे, वो त्रिलोक बाबू जो थे, मथुर बाबू के जो पुत्र थे, वो कभी कभी श्री राम कृष्ण को बुला लेते। उसमें से एक जना श्री राम कृष्ण पूछता है, भट्टाचार्य मोशाय महाशय ये बताइए, ये भारत में आपके धर्म के लोगों ने जगत मिथ्या है कह कह के लोगों का दिमाग खराब कर दिया, इससे भारत की ऐसी दुर्गति हो गई है, लोग कुछ काम नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते, सेवा करने से क्या होगा, ये तो जगत मिथ्या है, और इसलिए भारत की ऐसी भौतिक दुर्गति हो गई। श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं तुम्हारा बड़ा है, कैसी बुद्धि है तुम्हारी, तुम लोगों की सेवा का क्या अर्थ है? कोई व्यक्ति आया उसको खाने को दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, कोई हॉस्पिटल चला दिया, स्कूल बना दिया, यही ना, इससे कितना होता है, क्या होता है? और क्या तुम समझते हो कि भगवान सो रहा है, वो देखता नहीं है? जिसने भगवान ने जिनको बड़ा बनाया है तो उनके सारी व्यवस्था भगवान कर रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम जी इतनी सेवा कर रहे हो लेकिन देखो कहीं दुर्भिक्ष आ गया, इतने लोग मर गए, तुम क्या कर सके कुछ? फ्लड्स आ गए, इतने लोग सब मर गए, कुछ कर सके हो? तुम क्या समझते हो भगवान के बारे में? भगवान के बारे में कुछ भी समझना अपने बस की बात नहीं है। श्री राम कृष्ण ने यही बात कही, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो कुछ हो रहा है सब भगवान की शक्ति से हो रहा है, जिस शक्ति के द्वारा ये सभी कार्य होते हैं उसे तो हम देख नहीं पाते, हम तो केवल उसका फल मात्र देख पाते हैं। अहं को निकाल डालो, उसका नाश कर डालो, उसे भूल जाओ, अपने द्वारा ईश्वर को कार्य करने दो, यह तो उन्हीं का कार्य है, उन्हें ही करने दो, हमें और कुछ नहीं करना होगा, केवल स्वयं हटकर उन्हें काम करने देना होगा, हम जितने दूर हटते जाएंगे ईश्वर उतने ही हमारे भीतर आएंगे। और फिर बाद में कहते हैं अंत में, कच्चे अहं को नष्ट कर डालो, केवल पक्का अहम रहने दो, जो श्री राम कृष्ण कहते थे पक्का अहम रहने। यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्री राम स्वामी विवेकानंद एक बात कह रहे हैं, क्या है? पूर्ण शरणागति, यह समझना कि भगवान ही हमारे भीतर बैठकर हमें चला रहे हैं, यही तो है ना, हमें और कुछ करना नहीं होगा, केवल स्वयं को हटाकर उन्हें काम करने देना होगा, अहंकार को निकाल डालो, हम तो केवल उसका जो कार्य हो रहे हैं भगवान देख करते हैं, ये सब बात बार के। अब इसको करना क्या, प्रश्न यह है कि इसको कैसे किया जाए। एक दृष्टांत हमारे सामने है गिरीशचंद्र घोष का, जिन्होंने बकलमा दे दिया, पूर्ण शरणागति, अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर कर। कितने लोग हैं जो ऐसा कर सकते,
बहुत कठिन। फिर कुछ शास्त्रों में, जहाँ पर पातंजल योग सूत्र का मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, एक तो भक्ति का है पूर्ण शरणागति, जैसा गिरिशचंद्र घोष ने किया, मैं नहीं प्रभु कर रहे हैं, मैंने अपना बकलमा दे दिया। और एक दिन रास्ते में जा रहे थे, उसके पहले एक बार श्री रामकृष्ण से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं अमुक अमुक काम करूँगा। श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं ऐसा नहीं, तुमने तो अपनी पूरा अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, ये कहो प्रभु की इच्छा होगी तो मैं ऐसा करूँगा। अब ये हम कर सकते हैं हमारे जीवन में, आज प्रभु की इच्छा होगी तो मैं यह काम करूँगा या काम करूँगा। दूसरा दृष्टांत हुआ, गिरीश घोष एक रिक्शा में बैठकर रिक्शा वाले को कहा कि उधर चल, उधर चले तो एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, चोट लग गई। कहा प्रभु गलती हो गई जो मैंने अपनी इच्छा लगाई, प्रभु से जो भी काम करना उसके पहले प्रार्थना कर लेना। ऐसे भी भक्त हैं कुछ लोग, प्रार्थना करते हैं, और वो तो उच्च कोटि के साधकों की चर्चा है, कहीं मैंने कहीं एक है, प्रभु आज्ञा है, ऐसा कह के उसके बाद में करते। ब्रह्मानंद जी तो सीधी बात कहते हैं, कोई भी काम करो उसके पहले भगवान को स्मरण कर लो, उनकी आज्ञा लेना एक प्रकार से। तो ये तो भक्ति शास्त्र की बात है। योग में, पातंजल योग सूत्र में, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन क्रिया योग कहे गए हैं, यानी इनको करने से योग के लिए मन, हमारा मन, शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, ये सब कुल शुद्ध होती हैं और मन साधना के लिए, योग के लिए सक्षम होता है। इसको कहते हैं क्रिया योग, सबसे पहले करना पड़ता है इसको। और इससे क्या होता है, क्लेश तनुकरणार्थम समाधि भावनार्थ, इसको करने से क्लेश हमारे कम हो जाते हैं। और क्लेश कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसमें अस्मिता भी है, अहंकार भी है। ईश्वर प्रणिधान से अहंकार कम होता है, ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान में शरणागति। अब उसका अभ्यास कैसे करना, इसके संबंध में उस पर व्याख्या करते हुए एक व्याख्याकार हरिहरानंद अरण्य, एक बहुत उच्च कोटि के संत हो गए, हरिहरानंद अरण्य ने कहा है इसमें कैसे करना। उसमें वे कहते हैं कर्तापन का त्याग करना है ना, मैं नहीं कर रहा हूँ और भगवान कर रहे हैं, यही बात हो रही है ना। तो कहते हैं कि क्या करिए, दो तीन चार उन्होंने उपाय बताए, मेंटल प्रैक्टिसेस बताई। वो कहते हैं सर्वप्रथम अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान कर यह भाव दृढ़ करना चाहिए कि वे मेरे हृदय में विराजमान। हम लोग ध्यान करते हैं और ध्यान की पद्धति में अधिकांश कहा जाता है कि आपके हृदय में एक कमल है, उसमें अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। तो सबसे पहले अच्छी तरह से अपने हृदय में भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए कि वहाँ पर बैठे। दिन में अच्छा ध्यान, सुबह ध्यान अच्छा होना चाहिए। अगर काम प्रारंभ करें उसके पहले भी आँख बंद के करके हृदय में ध्यान कर लें कि प्रभु मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। तदनंतर समस्त कर्म करते समय इस भाव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि वे ही हृदय में बैठकर मुझे चला रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेद्य अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं इसको हम सुन लेते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ईश्वर मध्य हृदय तिष्ठति, सर्वभूतानां नहीं, मम हृदये ईश्वरम तिष्ठति, मेरे हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं।
आंखें बंद करके ध्यान करें, थोड़े क्षण के लिए सोचें कि भगवान मेरे इष्ट मेरे हृदय में बैठे हुए हैं और अब वे सारा काम कराएं। कितना प्रैक्टिकल ये दृष्टांत उन्होंने दिया हरिहरानंद जी। दो और टेक्निक हैं, एक में तो हमने भगवान को हृदय में ध्यान किया इष्ट का, दूसरे में हमें हम इष्ट के भाव को, इष्ट के हृदय का, ईश्वर के प्रशांत चित्त की भावना करनी पड़ेगी। मैं शिव जी का दृष्टांत देता हूँ, ये तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। भगवान शिव प्रशांत गंभीर समाधि में निमग्न है, ध्यान कीजिए कभी बाबा वहाँ जाकर विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाना, वो भी अब तो कठिन हो गया है, वो जल चढ़ाना तो आसान है लेकिन उससे श्रेष्ठ है। कल्पना कीजिए भगवान शिव जी बैठे हुए हैं, कई चित्र हैं भगवान के शिव जी के, गहरे ध्यान में निमग्न है, प्रशांत चित्त है। इस चित्त को क्या कहते हैं? वीतराग विषयम चित्तम। महापुरुषों का, भगवान का राग द्वेष रहित शांत चित्त है। उस चित्त में की भावना कर उसमें अपने चित्त को स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी मैं ही ईश्वर हूं एवं वीतराग भावना युक्त हूं, ऐसी भावना करके प्रशांत चित्तता का अनुभव कर सभी अपरिहार्य चेष्टाएं मानो उसके द्वारा हो रही हैं ऐसा समझना चाहिए। थोड़ा सा कठिन लगता होगा क्योंकि हमारी सामान्यतः भक्ति जो है ना, क्षमा करेंगे, सामान्यतः हमारी भक्ति वो सुपरफिशियल जिसे कहते हैं ना, ऊपर होती है, गए फूल चढ़ा दिए प्रणाम कर लिया, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि श्री राम कृष्ण कितने राग द्वेष रहित हैं, कितने प्रशांत हैं। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जैन धर्म तो किसी परमात्मा या ईश्वर को नहीं मानता, वह तो जिसको भगवान बोलता है वो तीर्थंकर हैं। वो क्या हैं? वो सामान्य जीव थे और उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त किया, तो वे वहाँ पर पूर्ण रूप से वीतराग भाव में प्रतिष्ठित हैं। जो हमारा भी वही स्वरूप है उसमें वे पूरी तरह प्रतिष्ठित हैं, हम अभी प्रतिष्ठित नहीं। तो उस वीतराग भाव को अपने मन में लाना है। थोड़ा सा हमारी जो ध्यान जप की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा गहरा करना पड़ेगा। इस जो बात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसको अगर समझना है कि भगवान हमारे भीतर रहकर काम कर रहे हैं, अपने अहंकार को पूरी तरह निकाल दो तो कैसे होगा? इसके लिए ये एक तो उपाय, जिस प्रकार से भगवान को हम मानो अपने हृदय में बिठा कर करें, या फिर यह सोचें अपने मन को प्रशांत कर लेवें और यह सोचें कि मैं ही ईश्वर हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, जैन धर्म में भी कहते हैं कि ध्यान करो तब सोचो कि मैं और मेरे इष्ट एक हैं। जरा सोचिए तो, कल्पना कीजिए, किसी दिन ध्यान करते हैं, अपने इष्ट को हम सामने रखते हैं या हमको हृदय में ला के रखते हैं, ध्यान करते हैं लेकिन भिन्न रख समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ही श्री राम कृष्ण हैं। ये बहुत उच्च कोटि का ध्यान है, बहुत उच्च कोटि का फीलिंग है। क्या होगा? श्री राम कृष्ण का जो भाव हमारे मन में है वो पूरी तरह हमारे मन में उदित होगा। यही बात यहां पर कहते हैं, ऐसी भावना करके प्रशांत चित्तता का अनुभव कर सभी अपरिहार्य चेष्टाएं, यानी जो सामान्यतः नियमित रूप से प्रतिदिन हम नेसेसरी आवश्यक जो
जिनको त्यागा नहीं जा सकता है, खाना पीना, उठना, स्नान करना, कमरा साफ करना इत्यादि जो कार्य हैं, सारे के सारे कार्य ऐसा सोचिए कि मेरे भीतर जो परमात्मा है वे कर रहे हैं या मैं जो परमात्मा हूं वो कर रहा हूं। तीसरा एक उपाय, इसमें ईश्वर नहीं आ रहे, शुद्ध आत्मा की बात है, वो भी गीता की बात है। आत्मा क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। क्या है? मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अकर्ता अभोक्ता चैतन्य आत्मा हूं, है कि नहीं? ये आप इतना सत सत्संग करते हैं तो ये बात तो समझते हैं, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बार बार कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, ये देह मन जो है ये उससे भिन्न है। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अकर्ता अभोक्ता चैतन्य आत्मा हूँ तथा समस्त क्रियाकलाप गुणागुणेशु वर्तन्ते, भगवान कहते हैं इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं जितने कर्म हो रहे हैं ये गुणों से गुण में होते हैं, कर्म सत्व रज तम गुण मुझ में है, ये बाहर भी सत्व रज तम गुण इत्यादि हो रहे हैं, ये गुणों में गुण वर्तन करते हैं इसलिए कर्म हो रहे हैं। इस भगवान के आदेश के अनुसार तीनों द्वारा कर्मों के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप। ये तीन उपाय, भगवान को हृदय में स्थूप रखना और उसके अनुसार भगवान हृदय में बैठ के मुझे चढ़ा रहे हैं ये भाव कर, या फिर स्वयं को भगवान समझना, या फिर स्वयं को नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा समझना और समझना कि ये कर्म कुछ नहीं है, ये तो गुणों से गुणों में हो रहे हैं, मुझसे उसका कोई लेना देना। तो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा उसके संबंध संदर्भ में ये मैंने बात कही। एक चौथा उपाय है ज्ञान मार्ग। हमने भक्ति का देख लिया, योग का देख लिया, ध्यान की पद्धति देख ली, अब ज्ञान और कर्म की बात कर ली, कर्म करना तो किस प्रकार से करना ये बात देख लिया, अब ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग में विचार के द्वारा आत्म अनात्म विचार करना है, आत्मा भिन्न है अनात्मा भिन्न है ये बार बार विचार करना, इसके द्वारा अहंकार को दूर करना। क्या करना? मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत ग्रीवे न च घ्राण नेत्रे इत्यादि। अब इसमें जो अहंकार है वह भी चला जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह अहंकार की। ये अहंकार सारी समस्याएं बनाता है, क्रिएट करता है। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं ना, मैं मरा कि बला टली, मैं मरा कि बला टली, लेकिन अगर मैं चला जाए तो सब चला जाएगा, मेरे जीवन की इतनी उपलब्धियां चली जाएगी, मेरा घर चला जाएगा, मेरे परिवार चला जाएगा, सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस मैं को में क्या हुआ? मैं यानी मैं देह भी मैं हो गया। किसी ने मुझे कहा, गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अरे किसे गाली दी? मन को लगी गाली। मैंने लेक्चर अच्छा दिया, किसने लेक्चर दिया? मेरा मन बुद्धि ने अच्छा लेक्चर दिया। मैं जोड़ दिया, मैं देह के साथ मैं को जोड़ देता हूँ, मन के साथ मैं को जोड़ देता हूँ, बुद्धि के साथ मैं को जोड़ देता हूँ, जो कुछ तो हो रहा है उसके साथ मैं जोड़ देता हूँ। और उसके बाद जब देह है तो उसके अपने कपड़े भी मेरा हो गया, किताबें मेरी हो गई, मकान मेरा हो गया, यह सब मैं और मेरा ये अहंकार से हुआ। श्री राम कृष्ण कहते हैं यह मैं मरा कि बला टली, और श्री राम कृष्ण तो कहते हैं, देखिए
इन सत्यों को समझना हो तो श्री रामकृष्ण के जीवन को देखिए। श्री रामकृष्ण तो कहते हैं कि मुझे ढूंढने पर भी मैं नहीं मिलता, कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वचनावृत में है, मैं ढूंढता हूं तो मुझे मैं नहीं मिलता। कैसे आश्चर्य की बात, क्या मिलता है, मां मिलती। श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं कि ये साला मैं जाने का नहीं। पीपल का पेड़ आज काट डालो, कल फिर से अंकुर उठ जाएगा। ये अहंकार जाने वाला नहीं, इसको क्या कर दो। स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं, उसको कच्चे अहंकार को नष्ट कर डालो, केवल पक्का अहंकार रहने दो। अगर मैं ही है तो भगवान का दास बना लो, भगवान का दास बना लो, भगवान का को माँ बना लो, भगवान के पुत्र बन जाओ। बनाना है ही है तो भगवान के साथ संबंधित हो जाओ। ये ज्ञान का भाव है, विचार के द्वारा यह विचार किया जा सकता जाता है कि इसको क्या कहते हैं, ये आत्मविचार, विवेक। तो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, उसमें क्या करते हैं शंकराचार्य, पंचकोश, यह देह में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं ये देख सकता हूं, मैं इससे अलग हूं, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, तो दृश्य अलग होगा। फिर ये तो क्षणभंगुर है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन मैं परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार से विचार करके देह से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से अपने को हटाना, ये विचार का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। और हमारी परंपरा में इन विभिन्न मार्गों को कंबाइन करना चाहिए, इनको एक साथ, एक मार्ग नहीं कई मार्ग उपयोग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग है। कोई भी एक योग को ले सकता है, उससे जा सकता है जो उसको रुचिकर लगे, लेकिन इन चारों का कॉम्बिनेशन किया जाए ना, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दिस एंड टू बी फ्री। तो जो हमको अच्छा लगे, हमारी प्रकृति के अनुरूप होवे, उसके साथ में ज्ञान मार्ग है, विचार करते हैं, ठीक है, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, विचार करते हैं, गहरा स्ट्रांग विचार करते हैं। फिर ये भी कर लीजिए कि भगवान मेरे हृदय में बैठ कर चला रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो तात्पर्य यह है, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, अहंकार जितना कम होगा उतना हमारे जीवन में शांति सुख अधिक होगा। फिर हम किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे आनंद से, जो काम हुआ है हुआ, हम उसकी चिंता नहीं करते। मैंने एक बच्चों का कार्टून देखा था, उसमें एक जैसे ये मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, ये ऐसे सब बने हुए ना, टॉम एंड जेरी है, वैसे एक भालू है, छोटा सा भालू, उसका नाम मुझे मालूम नहीं आ रहा है, तो वो उसकी कहानी है। तो भालू को क्या है कि वो तो मधु अच्छा लगता है, तो उसने क्या किया कि देखा कि एक बर्तन है, एक पात्र जिसे कहते हैं ना, खुला हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा मधु भरा हुआ है, और वो बारिश आ रही है, तूफान जैसा, फ्लड जैसा है, तो वो उसके अंदर, उसमें वो ऊपर ऊपर तैर रहा है, मुंह खुला हुआ, इसने क्या किया, अपना मुंह उसके अंदर डाल दिया। मधु का जो पात्र था ना, ये जैसे आप बर्नी होती है ना, बर्नी क्या बोलते हैं आप इसको, जिसमें ऊपर चौड़ा मुँह हो, जिसके अंदर आप अचार वगैरह रखते हैं, हंडी जो है वो तो मिट्टी की होती है, कांच की होती है, बर्नी बोलते हैं उसको, तो खैर हाँ, तो वो जो भी हो वो तैर रहा था, उसने अपना मुंह उसमें डाल दिया और वो उसको खाने लगा, और उसको बाकी चिंता नहीं कि यहाँ पर फ्लड्स हुए हैं, तूफान आ गया है सब। अब इसके कारण क्या है,
कि वो उसमें थोड़ी हवा है, वो डूब नहीं रहा है, वो उसके अंदर खा रहा है। तो ये जो चीज़ है वो एक लाइफ बॉय जैसा बन गया, जैसे वो कोई डूब रहा है तो उसके अंदर आप कुछ एक वो फेंकते हैं ना, एक टायर ट्यूब में पानी भर के, ट्यूब में हवा भर के भेज दिया, उसको लाइफ 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 बेल्ट बोलते हैं। तो वो जो है वो उस प्रकार का हो गया। तो जितने जानवर ये छोटे जैसे ये बिल्ली और कुत्ता और खरगोश ये सब उसी में गए, वो सब के सब वहाँ उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो तो डूब नहीं रहा है, वो तो एक लाइफ बोट जैसा हो गया, उसको सब पकड़ लिया और सब के सब बच गए। अच्छा, अब जब ये बाढ़ जो है वो समाप्त हो गई, सब समाप्त हो गई, उसके बाद लोगों ने सब ने कहा तुमने हम सबको बचाया है, तुमने हम सबको बचाया। कि मैंने बचाया? कि हाँ तुमने बचाया। उसको तो मालूम नहीं कि मैंने बचाया, वो तो अपने खाने में मस्त था। अगर वो नहीं खाता तो वो जो है वो उलट जाती और पान सब गिर जाती, उसमें मुंह डाल दिया तो वो पूरा का पूरा तैरता रहा, और वो तैरता रहा तो उसके उसका सबने सहारा लेके और सब बच गए। सब बड़ा उत्सव हुआ, तुमको उनको इनाम दिया, उसकी बड़ी प्रशंसा की। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या। जब हमारा ईगो नहीं रहता, जब हमें लगता है कि हम कुछ नहीं करते, तब हम सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी विवेकानंद ने यहाँ कहा है, कच्चे अहंकार को नष्ट कर डालो। और हमने देखा कि किस प्रकार भगवान सब कार्य करते हैं, इस भाव को हम अपने जीवन में डाल सकते। अब आगे चलें और आगे चलें, और भी इम्पोर्टेंट बड़े अच्छे अच्छी बातें कह रहे हैं स्वामी जी। वी आर व्हाट अवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार। Each thought we think is tinged with our own character, so that for the pure and the holy man, even his jests or abuses will have the twist of his own love and purity and do good. कितनी महत्वपूर्ण बात। क्या कहते हैं, हम अभी जो कुछ हैं वह सब हमारे चिंतन का ही फल है, इसलिए तुम क्या चिंतन करते हो इस विषय में विशेष ध्यान रखो। केवल मुख से बोलना तो गौण वस्तु है, चिंतन ही बहुत काल स्थायी है और उसकी गति भी बहु दूर व्यापी है। कहते हैं थॉट्स लिव दे ट्रेवल फार, इसको कहा चिंतन बहुकाल स्थायी है। थॉट लिव, बस विचार बने रहते हैं, उनकी गति बहुत दूर व्यापी है। हम जो कुछ चिंतन करते हैं उसमें हमारे चरित्र की छाप लग जाती है। ईच थॉट वी थिंक इज टिंज विथ अवर ओन कैरेक्टर, हम ऐसा जो कुछ सोचेंगे उसके पीछे हमारे चरित्र की छाप उस पर रहेगी। इस कारण साधु पुरुषों की हंसी या गाली, देयर जेस्ट्स और अब्यूजेस में भी उनके हृदय का प्रेम और पवित्रता रहती है, और उससे भी हमारा कल्याण ही होता। कितनी महत्वपूर्ण, वी आर नॉट केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। हम कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इसके संबंध में सावधान नहीं है। मैं कई बार यहाँ पर कह चुका हूँ, हर बार कहता हूँ, जितने क्षण के लिए, जितने समय के लिए हम भगवान का चिंतन करते हैं, उतने क्षण उतने समय के लिए हम भगवान हो जाते हैं। अगर हम निरंतर भगवान का चिंतन कर सकें तो हम निरंतर भगवान हो जाएंगे। और जब चरित्र की बात स्वामी जी करते हैं, इसका अर्थ क्या है? चरित्र का अर्थ केवल हमारा चिंतन मात्र नहीं है। चिंतन विचार तो किया, लेकिन व्यक्ति प्रतिदिन कैसा कार्य करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, यह चरित्र है। यानी क्या,
हमारा अचेतन मन, अवचेतन मन, हमारी मन की गहराई, जिसको पातंजल योग सूत्र के अंदर भूमि कहा गया है, चित्त की भूमि बनावट कैसी है, चित्त की बनावट, व्यक्तित्व की बनावट, यहाँ तक कि हमारा शरीर। स्वामी विवेकानंद ने एक व्यक्ति को कहीं पर देखा था परिव्राजक अवस्था में, उन्होंने कहा था इनके चेहरे का प्रत्येक लाइन जो है ये बताता है कि ये एक जीवन मुक्त है। मतलब क्या है? अगर आप निरंतर शुभ चिंतन करेंगे तो आपका चेहरा बदल जाएगा, आपके अनुपरमाणु बदल जाएंगे। जैसा श्री राम कृष्ण का, श्री राम कृष्ण का तो इतनी तीव्रता थी, इतनी गहराई थी, इतनी चित्त शुद्धि थी कि तीन बार उन्होंने कहा माटी टाका टाका माटी, माटी टाका टाकी टाका माटी, तीन बार कहकर पानी में फेंक दिया, उसके बाद में वो छू नहीं सके, धातु को सारा जीवन छू नहीं सके। स्वामी शारदानंद जी इस पे कमेंट्री करते हुए कहते हुए हैं कि हम हजार बार इतना करें तब भी वो नहीं होता। इसीलिए मतलब क्या है? श्री राम कृष्ण का चरित्र बदल गया था, चरित्र ही नहीं बदला था, उनकी नर्वस सिस्टम बदल गई थी, उनके स्नायु तंत्र बदल गए थे। ये लक्ष्य है श्री राम कृष्ण ने हमारे सामने दिया आज के युग के लिए। इतना गहरा शुभ चिंतन कीजिए कि यह चिंतन धीरे धीरे गहरे चले जाए, गहरे चले जाए। कॉन्शियस माइंड में है, चेतन मन में होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होता है, उसके बाद में वो अचेतन मन का स्तर है उस पर चले जाए, धीरे धीरे वो स्नायुओं में चले जाए, और उसके बाद में फिर हमसे जाने अनजाने में बुरा काम हो ही नहीं सकेगा। इसको कहते हैं चरित्र, और ये चरित्र एक दिन में नहीं होता। अगर शुभ किसी व्यक्ति का बहुत शुभ पवित्र चरित्र है तो फिर उसके द्वारा जो चेतन मन में उसने बातचीत की, कुछ किसी को गाली दी, किसी को अच्छा बुरा किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास यहाँ चार्ट नहीं है, बता सकता हूँ मॉडर्न साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के अनुसार हमारा जो चेतन मन है, हमारी चार बातचीत करना, विचार चिंतन, ये केवल 1/9 भाग मन का है, 1/9 ऑफ द माइंड, 8/9, 8/9 भाग जो मन का है, मतलब लगभग 90% मन जो है वो अचेतन है या चेतन, अवचेतन है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, हम नहीं जानते उसके बारे। इसलिए कि सुपरफिशियली कोई बात अच्छी कर दी, किसी ने लेक्चर दे दिया, वाह वाह बड़ा अच्छा, अरे उसका चरित्र देखिए कैसा, और किसी ने गाली भी दे दी आपको, श्री राम कृष्ण तो गाली देते थे, तो कभी कभी गाली देते थे लेकिन उनसे कितना बड़ा कल्याण हो जाता था। क्यों? उनके पीछे चरित्र, उनकी शुद्धि, उनकी पवित्रता, उनकी निस्वार्थता, इसको कहते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है वो एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग के पहले ही कहा है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और धीरे धीरे बार बार उस कर्म को करते 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 क्या होता है, आदत बन जाती। ये आदत बनाना है, चरित्र बनाना। सुबह उठकर मंदिर आरती में जाकर बैठना, ध्यान करना आप करिए, 20 साल तक करिए, उसके बाद में आप अगर नींद नहीं, उठना भी नहीं चाहेंगे तो भी कोई खींच कर आपको ले जाएगा, आदत बन गई। ये भौतिक आदत बनी है, वैसी मानसिक आदत बनानी है, शुभ चिंतन ही होवे, सभी में ब्रह्म देखना कहते हैं ना, संसार की सभी नारियों में जगदम्बा को देखना। अब इसकी अभ्यास कीजिए, उठकर मंगल आरती में जाना, इसका तो अभ्यास आसान है, वो तो शरीर जा रहा है, लेकिन मन का अभ्यास करना है, सर्वत्र ब्रह्म देखना है। तो प्रतिदिन जब आंखें खोलकर जहां कहीं भी जावे, कोशिश करें सोचने की कि ये सामने जो है वह ब्रह्म है। अब जैसा ऐसा करेंगे लंबे समय तक, करते 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 ये हमारा स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी, मन का स्वभाव, मन की आदत बन जाएगी। इसको स्वामी विवेकानंद के कहते हैं कैरेक्टर, और इसलिए कहते हैं जो कुछ याद रखिए, वो कहते हैं
अभी हम जो कुछ हैं वह सब हमारे चिंतन का ही फल है। आप शायद जानते होंगे, कोई लोग अगर आपको 10 साल पहले मिले होंगे, आप इतने 10 साल से आश्रम में रह रहे हैं, उसके बाद आके मिलेंगे तो कहेंगे अरे आप तो बिल्कुल बदल गए। सभी बदल जाते हैं, संसार के लोग बदल जाते हैं। आप 10 साल 20 साल के बाद भी किसी से मिलो तो कहते हैं तो बदल गया, उनके चिंतन जैसा था उसके अनुसार उसका प्रभाव पड़ा। तो यह स्वामी जी कहते हैं अभी हम जो कुछ हैं सब हमारे चिंतन का ही फल लिए, इसलिए तुम क्या चिंतन करते हो इस विषय में विशेष ध्यान रखो, बी वेरी केयरफुल। थॉट्स, वी आर व्हाट वी थॉट्स मेड अस, सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक, बी केयरफुल। अगर बुरा विचार आता है तो मन को उसके लिए अपने को किसी प्रकार से माफ मत करिए, ये क्यों आया मेरे मन, ऐसा बुरा विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए, माफ मत कीजिए। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि शुभ विचार आने लग जाएंगे, और पहले बुरे विचार रोज आते थे, पहले बुरे विचार ज्यादा आते थे, द्वेष के विचार, काम क्रोध के विचार, गुस्सा पहले ज्यादा आता था। 5 साल बाद देखा ना कम हो गया, 10 साल बाद देखेंगे हाँ और कम हो गया। धीरे धीरे परिवर्तन होगा, हम समझेंगे कि हम जो पहले थे वैसे नहीं। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता था उनको, फिर क्या हुआ हमने देखा, उसके बाद में भी गुस्सा आता था लेकिन इतना नहीं आता था। पहले तो रोज झगड़ा होता था, उसके बाद में 2-4 दिन में एक बार कभी गुस्सा तेजी से आ जाता था, फिर धीरे धीरे कम होता गया। उसके बाद में ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि गुस्से की परिस्थिति होते हुए भी गुस्सा नहीं आता, ये क्या हुआ? शुभ चिंतन करते करते, प्रयत्न करते करते चरित्र का निर्माण हुआ। इसलिए बी वेरी केयरफुल, टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लिख लीजिएगा, वी आर व्हाट अवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर ऑफ व्हाट यू थिंक, वी आर व्हाट अवर थॉट्स हैव मेड। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, इसलिए सब समय भगवान का चिंतन, शास्त्र अध्ययन, लीला प्रसंग का पाठ, या कुछ सुनना है तो भजन सुनना है, सब समय यही करते रहिए जिससे और विचार ना आने लगे। और अगर कभी आवे तो अपने को माफ मत कीजिए, आप अपने आप को दोष दे रहे हैं क्यों आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर कहते हैं आगे, चिंतन ही बहुत काल स्थायी है, थॉट्स लिव दे ट्रेवल फार, ये दूसरी बात कही। पहला तो है कि चिंतन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारा चरित्र निर्माण होता है, हम जैसे हैं वो उनके अनुसार होता है। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी एक और बात कहते हैं कि ये थॉट जो विचार हैं ये बने रहते हैं, स्थायी रहते हैं, ये ट्रेवल करते हैं। स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिमालय की गुफा में बैठकर गहरा ध्यान चिंतन जगत का कल्याण करता है तो वो उसका जो है वो हिमालय की गुफाओं को भेद कर उसके विचार जगत में फैलेंगे और जगत का कल्याण करेंगे। पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद कर्मयोग में ही स्वामी जी के। और स्वामी विवेकानंद पहवारी बाबा का दृष्टांत देते हैं, पहवारी बाबा से भी मिले थे गाजीपुर में, आप लोगों ने गए होंगे देखा होगा पहवारी बाबा की कुटिया, वो गुफा, पहवारी बाबा से स्वामी विवेकानंद मिले थे और उन्होंने कहा था, पूछा था कि स्वामी जी आप इतने उच्च कोटि के संत हैं, आप कुछ आगर नके प्रचार वचार करें, लोगों का कल्याण होगा उससे। तो उन्होंने कहा क्या क्या प्रवचन
और लोगों को का उपदेश देने से ही कल्याण होता है? क्या चिंतन से कल्याण नहीं होता? शुभ चिंतन से कल्याण नहीं होता? स्वामी विवेकानंद चुप हो गए। और सच पूछा जाए तो शुभ चिंतन से जो कल्याण होता है वो इतने कर्मों से, प्रवचनों से, इनसे नहीं होता। गहरा चिंतन कोई व्यक्ति अगर हिमालय में बैठकर, गुफा में बैठकर जगत के कल्याण के लिए गहरा चिंतन करे तो उसका परिणाम सारे जगत पर होता। क्यों? विचार दूरगामी हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो हमने शुभ चिंतन की बात कर रहे हैं। अशुभ चिंतन भी उतना ही अकल्याणकारी है, हानिकारक है, ये ध्यान रखना। और एक जगह आया था, संभवतः हम पहले कर चुके हैं इसको, कहीं पर एक है नारद भक्ति सूत्र में। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि जो श्रेष्ठ भक्तों का वर्णन किया है, जो श्रेष्ठ भक्त हैं न किसी की कामना करते हैं, न वांछा करते हैं, न किसी को कष्ट देते हैं इत्यादि, बहुत सुंदर सब वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतरति मायाम स लोकान तारयति। उच्च कोटि के जो संत हैं वे खुद तर जाते हैं और लोगों को तार देते हैं। कल्याण कुछ नहीं, कुछ कर्म नहीं, खुद तर गए यानी, लेकिन उनके प्रभाव से जगत का कल्याण होता है। लोकांश तारयति, लोगों का तारण कर देते। मतलब क्या है? अगर जैसा आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे, वे करते हैं, उसका प्रभाव जो है वो लोक पर पड़ता है, लोगों को, लोक का भी कल्याण होता है। और अगर हम बुरा चिंतन करेंगे तो हमारा तो बुरा होगा ही, हम दूसरों को भी बुरा कर रहे हैं, ये हम नहीं समझते। हम समझते हैं अच्छा मैं बुरा कर रहा हूं, उससे क्या है, लोगों करें करें नहीं करें, मैं असंयम का जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मेरा अशुभ चिंतन है, मैं टीवी देख रहा हूं तो मेरा बुरा होगा, उससे लोगों से क्या कर लेने देना है, नहीं। और दूसरा एक स्वामी विवेकानंद का कथन है कि जो मन है ये एक सागर के समान, जैसे ये आकाश है ना, तो ये भूत आकाश है, आकाश यहां से वहां तक सब आकाश एक है, मिला हुआ। उसी प्रकार चित्ताकाश है, ये चित्त भी एक आकाश। तो इसलिए अगर आप चित्त में जो चिंतन करेंगे वो चित्त रूपी आकाश में फैल जाएगा, और इसमें बहुत सारे प्रकार के विचार हैं। अगर आप शुभ चिंतन करेंगे तो इस एटमॉस्फेयर में जो शुभ चिंतन है उसको आप ग्रहण करेंगे, अगर अशुभ चिंतन करेंगे तो अशुभ विचार भी वातावरण में है, चिंतन है, वो आप ग्रहण करें। तात्पर्य यह है कि सत्पुरुष तो संसार को तारते हैं, सतारयति लोकांश तारयति, लेकिन असत्पुरुष लोग का नुकसान करते हैं। अब वो कुछ भी करें ना करें हमको सोचना, हम अगर शुभ चिंतन करेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा तो कल्याण होगा ही, लेकिन जगत का भी कल्याण होगा। कहते हैं ना, परिवार में अगर एक व्यक्ति को बुरा काम करता है तो सारे परिवार की बदनामी होती है, सारे परिवार को बुरा होता है, इतना तो हमने मान लिया। तो परिवार की बात, अगर आप संघ में हैं तो सारे संघ का प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से हम समाज के साथ एक अंग हैं उसके, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम कैसा चिंतन करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण बात है, यहाँ स्वामी जी कहते हैं ईच कैरेक्टर, ईच थॉट वी थिंक इज टिंज विथ अवर ओन कैरेक्टर, सो दैट फॉर पुअर प्योर एंड होली मैन इवन देयर जेस्ट एंड अब्यूज विल हैव ट्रेस ऑफ हिज ओन लव एंड प्योरिटी एंड डू गुड।
शुभ बन जावे, चरित्र हमारा शुभ हो जावे। चरित्र का अर्थ यह है कि केवल चिंतन एक घंटा दो घंटा के लिए नहीं, हमारा स्वभाव ही शुभ हो जावे, हमारा अंदर बाहर सब शुभ हो जावे, तो हम जगत का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी बातें स्वामी जी ने आज कही है। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।